बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सकुशल परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। अब इंतजार है तो दूसरी पाली की परीक्षा का, यानी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 23 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 24 यानी आज परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके बाद अब अगली परीक्षा 25, 30 और 31 तारीख को आयोजित होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। पहले दिन सकुशल परीक्षा संपन्न कराई गई थी। शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराई जा रही है। आज यानी 24 अगस्त को भी परीक्षा कराई गई। परीक्षा प्रत्येक दिन दो पालियों में आयोजित कराई जा रही है, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की थी, जो कि पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब दूसरी पाली की परीक्षा की बारी है, जिसका आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। यूपी सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। 23 अगस्त से इस परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 23 अगस्त को परीक्षा का पहला दिन था, आज परीक्षा का दूसरा दिन। अब अगली तारीख परीक्षा की 25 अगस्त है, यानी कल। इसके बाद 30 अगस्त और उसके बाद 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन होगा। यानी 5 दिनों में, 5 चरणों में ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। प्रत्येक दिन दो पालियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। ऐसे में परीक्षा केंद्र में एंट्री सभी दस्तावेजों और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षार्थियों को मिल रही है। तो सकुशल तरह से पहले दिन परीक्षा संपन्न कराई गई थी। शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। हर सेंटर में मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर क्षेत्र का जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। तो किस तरह से बुलंदशहर और मैनपुरी में स्थिति है, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। वरुण कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं और मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। वरुण, अगर बात करें जिस तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है, पहले दिन परीक्षा आयोजित हुई जो कि काफी सकुशल तरह से संपन्न हुई, आज दूसरा दिन, दूसरे दिन की भी पहली पाली की परीक्षा निपट चुकी है, अब दूसरी पाली की परीक्षा पर सभी की निगाहें। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, बुलंद करके बात करें तो बुलंद करने के पहले भाई है, और जो दूसरी पारी की परीक्षा है वो अब वहाँ की तैयारी शुरू हो गई है। मेरे पीछे जो ये लाइन है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अब पुलिस प्रशासन तैयार है और बाकायदा जो छात्र जो परीक्षा देने आए हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब दूसरी पारी की इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो नंबर है आने वाला है, और अब थोड़ी देर में यहाँ से एंट्री एंट्री दे दी जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ लगातार जो जिला अधिकारी हैं और SSP सहित आज जो IG हैं वो भी बुलंदशहर पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया है और जैसा निर्देश दिए हैं, बाकायदा जो बुलंदशहर में जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और बाकायदा उनकी निगरानी में बिल्कुल, यानी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुकेश, अगर बात करें मैनपुरी की, मैनपुरी में किस तरह से स्थिति और परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा निपट चुकी है, तब भी आप मौके पर मौजूद थे, अब जब दूसरी पाली की ओर हम बढ़ रहे हैं, 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत होगी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम, और जो परीक्षार्थी पहली पाली की परीक्षा में बैठे थे उनसे अगर आपकी बात हुई होगी उस वक्त पर, परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना था? अपने सहयोगी से कहेंगे, पीछे जो लाइन लगाई गई है आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर से भी सर्चिंग की जा रही है। जो छात्र हैं जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी आधार कार्ड की KYC होना बहुत आवश्यक रखा गया है। जिनकी KYC नहीं है वो शायद अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि KYC से जो अपडेट डाटा है, जो अपडेट यानी डाटे के साथ छेड़छाड़ की गई है या नाम परिवर्तन किया, डेटा परिवर्तन किया है, तो छात्रों की KYC नहीं हो रखी है उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? क्या उनके लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हर परीक्षा केंद्र में? जी अभी तक
लगाए गए हैं दो बायोमेट्रिक समय कक्ष के बाहर और प्रवेश गेट के नौ सुधार पर, उनसे केवाईसी में अगर सर्टिफाइड डाटा नहीं आता है तो वो अंदर जाएंगे। अगर केवाईसी में फॉल्टिंग है, डाटा में कुछ दिक्कत है तो शायद उनको परीक्षा में शायद अंदर नहीं बैठने दिया जाए, क्योंकि आधार कार्ड से कंपल्सरी डाटा प्लेस में रखा गया है, जिसके चलते सभी लोगों से निवेदन है कि आधार कार्ड बिल्कुल। मुकेश तस्वीरें भी दिखाई है कि आप परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है, भीड़ हम देख सकते हैं, एंट्री जो है छात्र एंट्री लेने के लिए वहां पर खड़े, एक बार तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, मेरे सहयोगी से कहूंगा की पीछे जो लाइन लग रही है ये शहर का आरसी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं और उनकी सर्चिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि समय से अंदर प्रवेश जाना है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक भी इनकी तलाशी, अंदर बैग की रखने की व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल फोन रखने की व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनकी सामग्री है वो केंद्र के बाहर ही छोड़नी है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिसकर्मियों की जो टुकड़ी है वो पूर्ण रूप से तैनात है, फीमेल महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और लगातार जो अधिकारी है उनका मिनिस्टर है बिल्कुल लगातार बना हुआ है, राहुल या पुलिस अधीक्षक कुमार जी हो, लगातार सभी परीक्षा केंद्र 13 परीक्षा केंद्र है उन पर लगातार सुरक्षा निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था में जायजा लगातार रेगुलर अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। बराबर बिल्कुल, यानी लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगना शुरू हो गई है, हालांकि 3 बजे से परीक्षा शुरू होगी। मुकेश, पॉसिबल हो पाए तो आप परीक्षार्थियों के पास जाकर बातचीत भी करिएगा, पूछिए गाभी की आखिर अब की बार प्रशासन की व्यवस्था से, सरकार की व्यवस्था से कितना संतुष्ट है। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार रुक कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण। वरुण, अगर बात करें जिस तरह से बुलंदशहर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें किस तरह से तैनाती, और हर सेंटर में जो या तो कमिश्नर हो या फिर जिस तरह से एसडीएम हो वो वहां पर एक एक बार जायजा लेने पहुंच रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे व्यवस्थाएं किस तरह से। बिल्कुल, बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 39,600 जो परीक्षा की है वो आज परीक्षा देने के लिए आएंगे यहाँ पर। लगातार जो दूसरे शिफ्ट की जो परीक्षा है वो अब हो रही है। अधिकारियों की बात करें तो बुलंदशहर में डीएम एसएसपी सहित आला अधिकारी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ का निरीक्षण करने में लगे हैं, साथ ही साथ जो आईजी मेरठ है वो भी बुलंदशहर पहुंचे हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया गया है। बाकायदा मजिस्ट्रेट जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर उनकी तैनाती की गई है, लगातार जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की। तस्वीरें देख सकते हैं कि वहाँ पर परीक्षार्थी जो है उन्होंने एंट्री लेना शुरू कर दिया है ना वरुण। बिल्कुल, यहाँ चेकिंग हो रही है, आप देख सकते हैं कि एक एक जो परीक्षा देने आए प्रत्याशी उनकी चेकिंग हो रही है, और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड देखा जा रहा है, एडमिट कार्ड देखने के बाद उनको अंदर प्रवेश देना शुरू कर दिया है, क्योंकि दूसरे पारी की जो परीक्षा है वो हो रही है। मेरे इधर दिखाऊंगा जो लाइन लग रही है, इधर तुषार अहमद बोला जी। बिल्कुल वरुण, जिस तरह से आपने हमें तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से परीक्षार्थी जो है वो लाइनों में लगना, कतारों में लगना उन्होंने शुरू कर दिया एंट्री लेने के लिए, हालांकि 3 बजे से परीक्षा का समय है, उससे आधा घंटा पहले एंट्री लेना अनिवार्य है क्योंकि गेट बंद हो जाते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार तुषार अहमद का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरह से अगर बात करें यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, आपसे जानना चाहेंगे आगरा में किस तरह से प्रशासन के इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आगरा में यूपी पुलिस परीक्षा का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन आगरा पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद यहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिली है। वही अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो 27 परीक्षा केंद्र आगरा में बनाए गए हैं, जिसमें पहले दिन 24,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी 2 पालियों में, और आज भी 24,000 लगभग परीक्षा अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। वही हम यहाँ पर साकेत विद्यापीठ इंटर कॉलेज पर है, आप साफ तौर से देख सकते हैं दूसरी पाली की परीक्षा के लिए यहाँ पर लाइन लगाई गई है। और वही अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आगरा पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, हर एक अभ्यर्थी को चेक किया जा रहा है, हालांकि जूते से लेकर बाल तक उसके चेक किए जा रहे हैं, जो गले में जो कलावे और गंडे बंधे रहते हैं उनको भी चेक किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की। अच्छा, यहाँ पर जांच, अगर किसी अभ्यर्थी ने घड़ी पहनी है तो क्या वो भी उतरवाई जा रही है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आगरा में जिस तरीके से आगरा पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, वहीं जो अभ्यर्थी अगर हाथ में घड़ी पहना है या गले में कलावा है उसको भी निकलवाया जा रहा है, और
साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और जूते भी जो आपको लाइव में यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं, जूते हाथ में है और हाँ कॉलर को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच में यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये परीक्षा कराई जा सके, इसी को देखते हुए कड़ाई से यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है अभ्यर्थियों की। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए जो परीक्षार्थी है तो उनसे बातचीत करने का कोशिश करिए, या फिर उनके जो परिजन या अभिभावक उनके साथ पहुंचे उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, पूछिए कि अब की बार व्यवस्थाएं कैसी लग रही है। ठीक है, मुकेश का शायद हमसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से मुकेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वरुण, आपके पास आना चाहूंगी, बुलंदशहर। ठीक है, तुषार हमारे साथ बने हुए। तुषार, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि काफी कड़ाई से अब की बार चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही जो अभ्यर्थी है उसे एंट्री जो है अलाउड है, क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और क्या बायोमेट्रिक सत्यापन किस तरह से कराया जा रहा है? जीशान के पास चलेंगे सीधा। जीशान, जिस तरह से अभी आपने पूरा डिटेल में हमें समझाया किस तरह से कड़ाई से चेकिंग सभी अभ्यर्थियों की हो रही है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के और बायोमेट्रिक सत्यापन किस तरह से हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर पुलिस है, जो लेडीज कॉन्स्टेबल है वह भी जो आधार कार्ड है और प्रवेश पत्र है उसको चेक करने के बाद ही एंट्री मिल रही है। हालांकि यही जो मैं कैमरामैन से कहूंगा, साकेत विद्यापीठ इंटर कॉलेज, यहाँ पर कल एक फर्जी आधार कार्ड लेकर एक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। हालांकि आगरा पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार किया था, लेकिन यहाँ पर आज की अगर बात करें दूसरे दिन की, तो कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर प्रवेश मिल रहा है। वही अगर मैं आपको बता दूं, जो प्रवेश पत्र है और आधार कार्ड है उसको मैच करने के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री मिल रही है, तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। अच्छा, जैसे आपने कल का हमें बीते दिन का मामला बताया जहाँ एक अभ्यर्थी फर्जी आधार कार्ड के साथ अंदर परीक्षा दे रहा था, तो उसको एंट्री कैसे मिली? अगर आधार कार्ड फर्जी था, क्या गेट पर सही से चेकिंग नहीं हो पाई थी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो विवेक नाम का एक अभ्यर्थी यहाँ से, जो कॉलेज है यहाँ से, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह विवेक नाम का व्यक्ति है और उसका प्रवेश पत्र भी था, लेकिन आधार कार्ड जब पुलिस के द्वारा और जो एंट्री होती है वहाँ पर चेक किया गया तो उसके पास आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड किसी और नाम के था। हालांकि उसने पुलिस परीक्षा पहले भी दी थी, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसने इंटर और हाई स्कूल का एग्जाम दोबारा से दिया था, जिसके बाद वो इस वाली परीक्षा में आया, उसके पास प्रवेश पत्र तो था। अच्छा, लेकिन उसका अभी आप क्या परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है? जी, तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, जो लोग आपके पीछे खड़े, क्या वो सभी अभ्यर्थी है परीक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं? हम अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं, जो लोग लाइन में लगे हैं उनके हाथ में मैं दिखाऊं, आपको दिखा दें। देखिए, ये प्रवेश पत्र है और आधार कार्ड भी है, ये लोग अपने साथ में लेकर आए हैं। भैया, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या करेंगे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ चेकिंग की जा रही है? जूते भी, और भाई अगर हम कलावे अलावे की बात करें, हाथ में गली हो, कुछ भी नहीं है। इससे पहले जब फरवरी महीने में परीक्षा हुई थी तो उसमें धांधली के बाद उसे निरस्त कर दिया गया था, अब की बार ये युवा है, सरकार से क्या कुछ इनकी डिमांड, और अब की बार जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है, क्या खुश है, संतुष्ट है व्यवस्था से? देखिए, बिल्कुल हम अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं, फरवरी में परीक्षा हुई थी उसको निरस्त कर दी गई थी, अब क्या सरकार से और प्रशासन से संतुष्ट है जो परीक्षा चल रही है, किस तरीके से व्यवस्था है आगरा में? अब सरकार जो परीक्षा करा रही है उससे संतुष्ट है? देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि जो अब परीक्षा हो रही है उससे हम संतुष्ट हैं, और लगातार हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात की। बिल्कुल जीशान, जिस तरह से आपने हमें दिखाया भी किस तरह से अभ्यर्थी सर के बाल तक यहाँ पर चेक करने के बाद ही केंद्र में प्रवेश मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कड़ाई से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कड़ाई से तैनात है,
पुलिस तैनात है। आपके पास वापस आऊंगी जीशान, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं मैनपुरी से। मुकेश, अगर आप परीक्षा केंद्र पर मौजूद है और वहां पर अभ्यर्थी मौजूद है तो उनसे एक बार पॉसिबल हो सके तो बातचीत करिए, जानिए कि अब की बार सुरक्षा व्यवस्था या जिस तरह से चेकिंग हो रही है, व्यवस्थाएं जो अब की बार की गई है उससे संतुष्ट है या नहीं। यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं जो उनकी प्रवेश चेकिंग हो रही है। क्या नाम है आपका? कमल सिंह जी, अभी इससे पहले जो पेपर गया था ये लीक हो गया था, लेट सर्टिफिकेट की परीक्षा। इस बार जो उसको मूवमेंट किया सरकार ने, जैसे जाए मैट्रिक है या जो सुरक्षा व्यवस्था कैसा लग रहा है? आप कैसा लग रहा है? अभी पानी खत्म हो गई है और कल का भी दिन अच्छे से गुजरा है। क्या नाम है गुड़िया आपका? आपका क्या नाम है? कांता जी, आप पेपर देने आएंगे, क्या सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं लगी पिछली सरकार? बिल्कुल चेकिंग तो, लेकिन अभी जो पहला एक दिन गुजर गया है परीक्षा का और अब दूसरा भी है, दिन चल रहा है, एक पाली खत्म हो गई है, तो क्या लग रहा है ठीक होता है ना इसका? अच्छा ठीक है मुकेश, यानी अब की बार जो है पिछली बार की कंपैरिजन में अब की बार व्यवस्थाएं जो है ज्यादा बेहतर दिख रही हैं और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी है वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जीशान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देश के लिए खतरा है ऐसा कहा है, यानी ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देश के लिए खतरा है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से देश को खतरा है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल भी पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है, क्या धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करती है कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों का कांग्रेस समर्थन करती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है, इसी को देखते हुए बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन किया उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस सहमत है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से देश को खतरा है, क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है, क्या धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करती है कांग्रेस, ऐसे सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से पूछे। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने, अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के
जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।